हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइक यूट्यूब। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम प्रोक्सीजन का यूज कैसे कर सकते थे, देन उसके बाद हमने देखा था कि प्रोक्सीजन का यूज करके हम कौन से टूल्स रन कर सकते थे इन कान लिनक्स। बट उसमें होता क्या था, अगर हमें कोई टूल यूजिंग प्रोक्सीजन रन करना है तो उसके पहले हमें प्रोक्सीजन का पहले सेटअप करके रखना पड़ता था, देन उसके बाद वो टूल हमें यूजिंग प्रोक्सीजन ही रन करना पड़ता था। अगर हम कोई भी टूल विदाउट प्रोक्सीजन रन करते थे तो वो टूल हमारा एनोनिमस नहीं रहता था। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि हमारा जो डिफॉल्ट गेटवे है उसको हम एज अ टॉर नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। मतलब आप कोई भी टूल रन करो या फिर ब्राउजर रन करो, वो नेटवर्क में एज एनोनिमस रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका ब्राउजर स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर ब्राउजर स्टार्ट करने के बाद आपको सर्च करना है वहाँ पर नाइप, देन उसके बाद आपको जो गिटअप का रिजल्ट आएगा ये लिंक आपको ओपन कर लेनी है। एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली ये गिटअप की लिंक ओपन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको ये नाइप जो टूल है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने एक टैगलाइन दिया है, एन इंजन टू मेक अ टॉर नेटवर्क योर डिफॉल्ट गेटवे। थोड़ा नीचे आते ही हमको इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है वो दिख जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली गिट को क्लोन से ये जो स्क्रिप्ट है हम क्लोन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसकी डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी है, और देन उसके बाद यहाँ पे ये नाइप टूल आपको इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड कॉपी कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको जहाँ पे भी ये स्क्रिप्ट क्लोन करनी है उसका आप पाथ दे सकते हो, या फिर उस पाथ में जाके भी आप गिट क्लोन कमांड जा सकते हो। तो मुझे गिटअप नाम के फोल्डर में ये स्क्रिप्ट क्लोन करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे गिट क्लोन कमांड डालता हूँ और ये जो स्क्रिप्ट है ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद मैं एंटर देता हूँ, तो यहाँ पे जो नाइप स्क्रिप्ट है ये हमारी सक्सेसफुली क्लोन हो गई यहाँ पे। देन उसके बाद हम नाइप नाम के फोल्डर में जाते हैं, लिस्ट आउट करते हैं यहाँ पे कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट फाइल जो है ये nipe.pl है। ये जो रन होती है ये पर्ल से रन होती है, ऑब्वियसली ये पर्ल की स्क्रिप्ट है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कमांड। तो डिपेंडेंसीज जो भी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है यहाँ पे। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये नाइप जो है ये इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हमारे सक्सेसफुली। देन उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा नाइप है ये आपको स्टार्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम स्टेटस चेक करते हैं कि हमारा ये स्टार्ट हुआ है या नहीं। ओके, सो हमारा नाइप सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस भी हमारा शो कर रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं DNS लीक टेस्ट। तो जो आईपी यहाँ पे दिया हुआ है वही आईपी यहाँ पे दिखा रहा है। तो सक्सेसफुली हमारा जो नाइप है यहाँ पे कॉन्फिगर हो गया। अगर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं नाइप को तो उसके बाद हमारा ये आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टॉप कमांड दे रहा हूँ और यहाँ पे फिर से स्टेटस चेक कर लेते हम। तो यहाँ पे हमको जो हमारा डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। देन उसके बाद ब्राउजर को क्लोज करके फिर से DNS लीक टेस्ट करते हैं। जो हमारा डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है वो अगेन यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ कमांड से आपके पूरे नेटवर्क को सिक्योर बना सकते हो, एनोनिमस बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।